में लग रहे शिविर में शिरकत की विधायक लक्ष्मण सिंह ने। चांचौड़ा शासकीय अस्पताल में आज एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें चांचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने शिरकत की। साथ ही शिविर लगाने का कारण तथा शिविर में आने वाली समस्याओं को भी जानने की कोशिश की। साथ ही अस्पताल में डॉक्टर की कमियों को लेकर भी भोपाल चिरायु अस्पताल से डॉक्टरों की टीम को चांचौड़ा में जल्द से जल्द पदस्थ कराने और उनकी सैलरी स्वयं तथा रोगी कल्याण समिति के फंड से देने की बात भी कही। इतना ही नहीं, एक नजारा यह भी आया जब एक महिला ने विधायक सिंह से बोला कि वह गर्भवती है लेकिन उसको अभी तक एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया गया। जब श्री सिंह ने बीएमओ डॉक्टर टिंकू वर्मा से इंजेक्शन न लगाने का कारण जाना तो डॉक्टर टिंकू वर्मा ने बताया कि इंजेक्शन नहीं है, इस कारण से नहीं लगाए जा रहे। इसके बाद श्री सिंह ने अपने पर्स से पैसे निकालकर इंजेक्शन मंगाकर गर्भवती महिला को लगाने की बात कही और एडवांस में 100 इंजेक्शन मंगाने के लिए भी टिंकू वर्मा को पैसे दिए। चांचौड़ा अस्पताल में आ रही कमियों को भी दूर करने की बात विधायक के द्वारा कही गई। इसके साथ ही विधायक सिंह ने कुछ दिन पहले बाउंड्री वॉल तथा ट्यूबवेल लगाई गई है उसके कार्य को भी देखा। कितने की आती है एक मच्छरदानी? वो सर कनेक्शन से ही है। कितने की आती है? 200-300 रुपये का सर। ये मेडिकेटेड है, नहीं दवाई वो केमिकल जाएगा नहीं सर। और सर वो साइज में सिंगल साइज में एक पट्टी अलग, डबल बेड अलग, तीन बेड, एक पाउच निकाल के लाओ सर। चांचौड़ा से ग्राउंड रिपोर्टर शिवम नामदेव की रिपोर्ट।